उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। न्याय के ऐसे कुछ सिद्धांतों की पहचान करने में जिन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग समाजों में आगे रखा गया है। वितरात्मक न्याय क्या है, इसे स्पष्ट करने में जॉन रॉल्स के इस तर्क की व्याख्या करने में कि एक न्याय संगत और निष्पक्ष समाज सभी सदस्यों के हित में होगा तथा तर्क संगत आधार पर जिसकी रक्षा की जा सकती है। न्याय क्या है? हमारे समाज में न्याय आवश्यक है ताकि हमारे पास कानून दृढ़ व्यवस्था हो और लोगों की भलाई हो सके। समृद्ध लोगों के प्रति न्याय से तात्पर्य है कि उन्हें एक उदारवादी समाज की आवश्यकता होती है जहां बाजार इनके नियंत्रण में हो और राज्य केवल विधि संगतता को बनाए रखने के लिए काम करे। इसके विपरीत समाजवादियों का कहना है कि न्याय एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें समान रूप से वितरित किया जाता है। न्याय में सभी लोगों की भलाई पर विचार करते हैं। इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हरेक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हों। न्याय अर्थ है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर महत्व दें, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का तात्पर्य है कि केवल समान लोगों को समान बर्ताव दिया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि अवसरों की समानता केवल शिक्षित लोगों में निहित है। इसलिए जब समान बर्ताव की बात आती है तो यह जांचा जाना चाहिए कि उनके साथ समान बर्ताव किया जा सकता है या नहीं। न्याय के तीन सिद्धांत। न्याय के तीन सिद्धांत निम्नलिखित हैं: समकक्षों से समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। समकक्षों के प्रति समान बर्ताव से तात्पर्य है कि केवल समकक्षों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि अवसरों की समानता केवल शिक्षित वर्ग में ही निहित है। इसलिए जब समान बर्ताव की बात की जाती है तो यह जांचा जाना चाहिए कि उनके साथ समान बर्ताव किया जा सकता है अथवा नहीं। समानुपातिक न्याय। यह न्याय की एक अन्य संकल्पना है। इस तथ्य के बावजूद कि समानता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, हम सभी के प्रति समान बर्ताव नहीं कर सकते। आपको कैसा लगेगा जब परीक्षा में शामिल होने वाले आपके मित्र, जिसने परीक्षा के दौरान नींद ली और खेल खेले, को उतना ही अंक मिले जितने कि आपने दिन रात कठिन परिश्रम कर अर्जित किए? आपको ये अन्यायपूर्ण लगेगा। इसलिए न्याय अर्हता के आधार पर किया जाना चाहिए। लोगों को उनकी गुणवत्ता और प्रयास के अनुसार अंक दिए जाने चाहिए। इसलिए समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत और समानुपातिक सिद्धांत के बीच सही संतुलन बैठाने की जरूरत है। विशेष जरूरतों की पहचान। सभी व्यक्तियों से एक समान बर्ताव नहीं किया जा सकता। कुछ समूह और व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं भी हैं। उदाहरण के लिए, एक विकलांग की तुलना दूसरे योग्य व्यक्ति के साथ कभी नहीं की जा सकती क्योंकि वे दिव्यांग हैं। इसलिए राज्य को उन्हें सहायता के रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि वे योग्य व्यक्तियों के समतुल्य आ सकें। न्यायपूर्ण बंटवारा।
समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी व्यक्तियों हेतु उचित और निष्पक्ष रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण की आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के पुनर्वितरण की आवश्यकता तब होती है जब समाज में अत्यधिक अंतर हो। उदाहरण, ब्रिटिश शासन में भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जमींदारों द्वारा अधिग्रहित था, लेकिन बाद में भू बंटवारा हुआ और भूमि का वितरण गरीब कृषकों में किया गया। एक व्यक्ति को अवसरों के समानता का लाभ मिल सकता है जब उसे जीवन की बुनियादी गुणवत्ता प्राप्त हो। जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं में शिक्षा, न्यूनतम वेतन, आवास, भरण पोषण और स्वच्छ पेयजल आदि शामिल हैं। सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करना गैर प्रासंगिक होगा यदि अधिकांश युवा अशिक्षित होंगे। इसलिए संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संसाधन न केवल गरीबों के लिए बल्कि अमीरों के लिए भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जॉन रोल्स का सिद्धांत। रोल्स का न्याय का सिद्धांत युक्तिसंगत औचित्य स्वीकार करने के लिए न्याय का एक सिद्धांत सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रोल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वे सभी व्यक्तियों को अज्ञानता के आवरण के पीछे रखते हैं। अज्ञानता के आवरण का अर्थ है कि लोगों को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जहां वे अपने अपनी संपत्ति, योग्यता, वर्ग, कौशल और ओहदे आदि से परिचित नहीं हैं। इसलिए जब वे अज्ञानता के आवरण से बाहर निकलकर वे विशेषाधिकारों को चुनेंगे जिससे वे प्रभावित होंगे। रॉल ने तर्क दिया कि ये बुद्धिमान लोग विशेषाधिकार चुनेंगे जो उन्हें अपनी पहचान विकसित करने में सहायता करेगी। यदि कोई व्यक्ति उदार है तो वह अपनी कठिन परिश्रम के बलबूते कुछ भी प्राप्त कर सकता है और इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता की कल्पना सबसे पहले करनी होगी। इसके अतिरिक्त वे अवसरों की समानता को चुनेंगे, अर्थात सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। उनके साथ धर्म, राष्ट्र, लिंग और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, वे अलग सिद्धांत की मांग करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानता के आवरण से निकलने के बाद समाज को उन विकलांगों या दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए जो आवरण से निकले हैं। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत कहता है कि नैतिक विचारों के अतिरिक्त तार्किकता हमारे लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज का निर्माण कर सकती है। सामाजिक न्याय का अनुसरण। न्याय लाने के उद्देश्य से अलग अलग दार्शनिकों का अलग अलग दावा है। कुछ दार्शनिक मुक्त बाजार पर जोर देंगे ताकि सभी अपने हितों के अनुसार आगे बढ़ सकें। मुक्त बाजार के आशय यह है कि व्यक्तियों को खुद की संपत्ति का स्वामित्व रखने की पूर्ण आजादी है और वे वेतन, लाभ और कीमतों के संबंध में एक दूसरे के साथ अनुबंध व समझौते करेंगे। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का युग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। वर्तमान में मुक्त बाजार राज्य द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों की भांति बाजारों के विनिमय हेतु कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। मुक्त बाजार से हमें सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की
सस्ती और घटिया सेवाओं के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं समेत ज्यादा विकल्प मिलते हैं। मुक्त बाजार विशेषाधिकार वालों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी पसंदीदा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए धन और संसाधन है। इसलिए राजनीति मूल रूप से सिर्फ वस्तु और सामग्रियों के वितरण को लेकर है। जहां संसाधनों का वितरण है, वहां सौदेबाजी और समझौता भी है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। न्याय में लोगों की भलाई या कल्याण शामिल है। इमैनुअल कांट ने तर्क दिया था कि मनुष्य की गरिमा है और सभी व्यक्तियों को गरिमा की स्वीकृति दी जाती है, तो उनके पास उनके कौशलों का विकास करने के लिए समान अवसर होंगे और वे अपने पसंदीदा लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। न्याय का अर्थ है कि हम सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से सोचें। एक समाज के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु वस्तुओं और सेवाओं का न्यायसंगत वितरण आवश्यक है। यदि समाज में गहरी असमानताएं हैं, तो उसके लिए वस्तुओं और संसाधनों का पुनर्वितरण आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक जॉन रोल ने एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए न्याय का सिद्धांत दिया। मुक्त बाजार का आशय है कि व्यक्ति स्वयं की संपत्ति रखने के लिए मुक्त हो तथा कीमतों, वेतनों व लाभों के संबंध में एक दूसरे के साथ अनुबंध और समझौता करने में सक्षम हो। लाभ की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्वी करने से छूट हो।